आपको याद होगा बेटा कि आज से कुछ हफ्ते पहले एनएमसी ने एक डिसीजन लिया था और उसमें उन्होंने वादा किया था कि अब हर 10 लाख की आबादी पर, यानी 10 लाख जिस जगह की आबादी है उस पर 100 एमबीबीएस सीट्स होनी चाहिए। इस नियम को अगर अप्लाई किया जाता तो फिर नॉर्थ इंडिया में अच्छी खासी सीट बढ़ने का अनुमान था। और ये निर्णय ऐसा नहीं था कि एक साल में ही इतनी सीटें बढ़ा देनी थी, धीरे धीरे आने वाले कुछ ईयर्स में ये सीटें बढ़ा करके इस प्रपोर्शन को बिल्कुल मुकम्मल करने का डिसीजन लिया गया था। कारण ये था कि नॉर्थ इंडिया में जितनी एमबीबीएस की सीट्स हैं और जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और जो पॉपुलेशन का रेशियो है उसे मेडिकल फैसिलिटीज में बड़ी प्रॉब्लम आती है और बच्चों को एमबीबीएस के एडमिशन में भी बहुत ज्यादा असुविधा होती है। इस वजह से निर्णय लिया गया। इससे एक अनुमान था कि लगभग 40,000 सीटें ऑल इंडिया लेवल पर बढ़ेंगी डिफरेंट स्टेट्स को मिलाकर के, और इससे आने वाले समय में आपको बहुत सा फायदा होता क्योंकि आपको ज्यादा सीटें एमबीबीएस की अगर कॉम्पिटिशन के लिए मिलती तो आपका सिलेक्शन और आसान होता। लेकिन साउथ के जो राज्य हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, वहां पर ये प्रोपोर्शन जो है ये उल्टा है। यानी वहां पर आबादी के अनुसार हर 10 लाख की आबादी पर 100 सीट्स की तुलना में ज्यादा सीट्स हैं। तो अगर ये नियम लगाया जाता तो उनको ये रेस्ट्रिक्ट किया जाना था कि भाई अब आने वाले इयर्स में आप अपने वहां एमबीबीएस सीट्स नहीं बढ़ा सकते, यानी जो मेडिकल कॉलेज वहां पर अभी खुले हुए उनमें सीट बढ़ा नहीं सकते, और नए मेडिकल कॉलेज जो है वो भी आप नहीं खोलेंगे क्योंकि ये प्रपोर्शन इससे ज्यादा अच्छा है वहां पर है। तो इस वजह से साउथ के राज्य जो है पुडुचेरी, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन्होंने एनएमसी में रिक्वेस्ट डाली ये नियम जो है वो अभी न लगाया जाए। इस वजह से एनएमसी ने फिलहाल तत्काल प्रभाव से इस निर्णय को हटा लिया है। ये नियम बेटा 2024-25 के सेशन में लगने वाला था। 2024 अगर आप नीट का एग्जाम देते तो आप 2024-25 के सत्र में जाते तो आपको बड़ी ही सीटें मिलती वहां पर। लेकिन इस नियम के आने के बाद अब एनएमसी ने डिसीजन लिया है कि 2024-25 में ये नियम नहीं लगाने जा रहे हैं, बल्कि वो इस नियम को अब 2025 और 2026 में अप्लाई करेंगे। यानी फिलहाल ये सीट का जो प्रपोर्शन था इसको दुरुस्त करने का निर्णय वापस ले लिया है। इसी न्यूज को बेटा न्यूज़पेपर्स में डिटेल में दिया गया है, तो एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग मैंने ओपन की है, यहीं से मैं इसको डिटेल में आप लिए पढ़ देता हूं जिससे कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वो आप देख लें। यहां देखिएगा, एमबीबीएस प्रति 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों के फैसले पर रोक, कई राज्यों ने किया था विरोध। राज्यों के नाम मैं आपको बता चुका हूं कि किन किन राज्यों ने इस तरह का विरोध किया था। आइए अगर थोड़ा ऊपर जाते हैं बेटा, देखिए थर्सडे 16 नवंबर 2023 की ये न्यूज है। एमबीबीएस सीट्स कई दक्षिण राज्यों के विरोध के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने हर राज्य में 10 लाख की आबादी पर एमबीबीएस की 100 सीटों सीमित करने के फैसले को एक साल के लिए टाल दिया है। अब यह नियम 2024-25 की बजाय 2025-26 से लागू होगा, जो मैंने आपको बताया। अब ये रूल 2024-25 में नहीं 25-26 में लगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 नवंबर को मेडिकल एजुकेशन नियामक से 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीट्स को वाला प्रावधान पर विचार करने को कहा था। इसके बाद एनएमसी ने इस फैसले को स्थगित कर लिया है। आप इसे फिर से देखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 नवंबर को मेडिकल एजुकेशन नियामक से 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीट वाले प्रावधान पर फिर से विचार करने को कहा था। यानी कि साउथ के जो स्टेट्स हैं इन्होंने सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय से अपनी शिकायत दर्ज कराई कि ये निर्णय सही नहीं है, और ऐसे निर्णय वैसे भी राजनैतिक होते हैं, तो इसलिए सरकार पर इलेक्शन का समय है 2024 से, वो किसी को नाराज भी नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से निर्णय को वापस ले लिया है। देखिएगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एनएमसी के इस नियम का कड़ा विरोध कर रहे थे। इन राज्यों में मेडिकल कॉलेजेस और एमबीबीएस की सीटों की संख्या काफी ज्यादा है। मैंने आपको पहले बताया इनमें सीटें काफी ज्यादा है। 16 अगस्त को अधिसूचित इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि आगामी एकेडमिक सत्र से स्थापित मेडिकल कॉलेजेस में अधिकतम 150 एमबीबीएस सीटें होंगी। अब आप देखिएगा, 16 अगस्त को, मतलब 2023 की 16 अगस्त को यह निर्णय आया था कि भाई किसी भी मेडिकल कॉलेज में 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 100 एमबीबीएस सीट्स होंगी। इस नियम के अनुसार कहा, इस गाइडलाइन के अनुसार कहा गया था कि आगामी अकादमिक सत्र से स्थापित मेडिकल कॉलेजेस में अधिकतम 150 एमबीबीएस सीट्स होंगी। यानी नए जो सत्र होगा उसमें जो नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे उसमें 150 से ज्यादा सीट्स नहीं हो सकती। 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीट्स होंगी। इस नियम से एनएमसी ने कहा कि सीटों की सीमा तय करने से हेल्थ प्रोफेशनल की उपलब्धता के मामले में क्षेत्रीय असमानताओं में कमी आएगी। एनएमसी का यह मानना है कि साउथ में ये जो है असमानता
अलग टाइप की है, वहां पर हर 10 लाख की आबादी पर ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर है, जबकि नॉर्थ में ये कम है। तो मुझे तो अजीब ही लग रहा है, ज्यादा होने में क्या प्रॉब्लम है भाई, जहां कम है वहां बढ़ाओ ना। दक्षिण भारत में भी सीटें, जरा साउथ में एमबीबीएस सीट्स का यहां पर प्रोपोर्शन देखिएगा। आंध्र प्रदेश में अनुमानित जनसंख्या 5.34 करोड़ है, जिसका मतलब था कि इस राज्य में लगभग 5,346 सीटें होनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश में इतनी जनसंख्या है, इस हिसाब से बेटा ये जो 100 एमबीबीएस वाला नियम है, इसके अनुसार 5,346 सीट्स होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में वहां पर 6,435 सीट्स हैं। आप अंतर देख ले बेटा, ये 1100 सीट्स का करीब अंतर दिख रहा है। 6.76 करोड़ की अनुमानित आबादी वाले कर्नाटका में, कर्नाटका की आबादी लगभग इतनी है बेटा, 6.76 करोड़ है, इसमें बेटा 11,695 सीट्स हैं, जो देश में सबसे अधिक है। आप देखिए बेटा, कर्नाटका इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स, 11,695। एनएमसी के नियम के मुताबिक इसमें 6,770 सीट्स होनी चाहिए। अंतर देख लीजिए बेटा, ये लगभग 5,000 सीटें इस रूल से ज्यादा है। अब भाई जरा केरला में देख लीजिए, केरला का क्या हाल है। 3.57 करोड़ की आबादी है, इसमें 4,655 एमबीबीएस की सीट्स हैं, जबकि एनएमसी का जो बेटा स्टैंडर्ड है, मापदंड है, उसके अनुसार 3577 सीट होनी चाहिए। यहां पे भी देखिए लगभग 1100 सीट ज्यादा है। तो साउथ के राज्य जो है वो अच्छे खासे एमबीबीएस की सीट्स रखते हैं। इसीलिए जब हम लोग आपके लिए बेटा काउंसलिंग का वीडियो बनाते हैं, तो कहते हैं चांस ऑफ एडमिशन इन साउथ इंडिया इज मोर, क्योंकि वहां सीट्स ज्यादा है। अब जरा बेटा तमिलनाडु में देख लीजिएगा, तमिलनाडु की आबादी 7.68 करोड़ है बेटा, हर 10 लाख की आबादी पे 100 सीट्स हो, उसके अनुसार 7,686 सीट्स होनी चाहिए, लेकिन है 11,600 सीट्स वहां पर। तो कितनी सीट्स ज्यादा है, इस इतनी सीट्स है बेटा, होनी ये चाहिए, तो यहां से ये करीब 4,000 सीट्स ज्यादा है, यानी कि नियम के अनुसार इससे 4,000 सीट्स कम होनी चाहिए। ये आप देखिए यहां का हाल है। तेलंगाना जो कि पिछले कुछ वर्षों में एमबीबीएस सीटें बढ़ा ही रहा है, तेलंगाना अगले साल 800 सीटें जोड़ने की योजना भी बना रहा है। तेलंगाना 800 सीटें जोड़ रहा है, आपको भी फायदा होगा। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें आएंगी, हर स्टेट के बच्चे को उसे प्रोपोर्शनली फायदा हो, उसमें बेटा फायदा होगा, योजना बना रहा है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 3.8 करोड़ है, इसलिए लगभग 3809 सीटें होनी चाहिए। वर्तमान में 8540 सीटें हैं, यानी वर्तमान में बेटा तेलंगाना में 8540 सीटें ऑलरेडी हैं, जो एनएमसी के द्वारा निर्धारित सीटों से ही करीब 5,000 ज्यादा है। मतलब इस समय वहां पर इतनी सीट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और होनी इतनी चाहिए, ऑलरेडी ये 5,000 ज्यादा है, और ये तो अगले साल 800 सीट और बढ़ाने जा रहे हैं, वादा कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भैया देखो यहां पर कैसा नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर एमबीबीएस, और जो आबादी है उसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास है। साउथ में अच्छी खासी सीट्स हैं, नॉर्थ का आएगा डेटा तो उसको हम बात करते हैं अभी। देखो बेटा यूपी की स्थिति बिल्कुल उलट है, यूपी क्या बिहार बिहार ले लीजिए, हर जगह ये उलट मामला है। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 23.5 करोड़ है, में केवल 9,703 सीट्स हैं। एनएमसी के अनुसार यहां पर एमबीबीएस की लगभग 30,568 सीट्स होनी चाहिए, जो कि लगभग 14,000 कम है बेटा। इतनी सीट्स होनी चाहिए और इतनी है, लगभग 14,000 सीट्स कम है। तो यूपी में तो बढ़ना चाहिए, अच्छा खासा बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स जो परेशानी में, हमारे बच्चे जो परेशानी में, वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, 600 के ऊपर नंबर लाने वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, 610 मार्क्स पाने वाले भी बच्चों को सीट नहीं मिली है, हाल तो इतना बुरा है। बेटा इस वीडियो को शेयर करने के पीछे मकसद ये था कि जो 40,000 सीटें बढ़ाने का एनएमसी ने एक वादा किया था, अगले आने वाले इयर्स में धीरे धीरे ग्रेजुअली नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी और वो 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीट्स का जो नियम है वो लगाएंगे, लेकिन यहां से होता उल्टा है। मेरा अपना विचार है कि नियम लगाने का मतलब जहां सीटें कम है वहां पर आप बढ़ाइए सीटें, और जहां पर सीटें ज्यादा है, साउथ में ज्यादा सीटें हैं, वहां पर आप उलट करके प्रेशर बनाएंगे कि आप नंबर ऑफ सीट्स ना बढ़ाएं, नए मेडिकल कॉलेज ना जोड़ें, तब तो ये मामला राजनीतिक होकर उलट के रह जाएगा, लगने ही वाला नहीं है। तो जहां पर सीटें कम है, नॉर्थ के, नॉर्थ इंडिया के बहुत से स्टेट्स में और भी बहुत सारे स्टेट्स में, इसका मैं वीडियो बना के आपके साथ चर्चा करूंगा कि इसमें कितना फर्क आ रहा है, कितनी सीटें और होनी चाहिए, आगे डिटेल और बात करेंगे किसी वीडियो में। तो मेरा यह मतलब है कि गवर्नमेंट को जहां पर कमी है वहां पर नई सीटें ऐड करने का नियम पहले लगाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप साउथ में जहां पर सीटें ज्यादा आप उनको छेड़ रहे हैं, आप उनके ऊपर नियम इंपोज करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। दिस इज एम सिंह सर हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।